हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्लोरा वंडर पे। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपनी गिलोय की कटिंग के बारे में, कैसे हम गिलोय की कटिंग बहुत आसानी से उगा सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने ये तीन कटिंग, पांच कटिंग उगाई थी, उनमें से एक ख़राब हो गई और ये चारों लग गई हैं। दोस्तों, ये मैंने सिर्फ दोस्तों 12 दिन पहले लगाई थी और एक बारिश में ही ये बहुत अच्छी ग्रो हो गई हैं। आप जब भी गिलोय की कटिंग उगा रहे हैं, आपको ये बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप रेनी सीज़न में उगाएं और इसको सेमी शेड में रखें। जब ज़्यादा धूप ना आए, धूप से इसको आपको दूर रखना है। तो ये मेरी हैं 12 से 15 दिन पहले की कटिंग्स जो मैंने ग्रो करी थी। और देखिए, आप इसमें लीव्स आ रही हैं और काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है। रूट्स आप देख सकते हैं इनकी, ये देखिए रूटिंग इनकी, ये देखिए इसकी काफ़ी अच्छी रूटिंग हुई है। और मैंने ये रूटिंग हारमोन से लगाकर ग्रो करी थी। अगर आप वैसे भी करते हैं तो अभी हो जाएगी रूटिंग। बस जो बेसिक्स बता रहा हूँ मैं, आप उनका ध्यान रखें। ये देखिए दोस्तों, मैं ये चार कटिंग लेकर आया हूँ। ये सेमी हार्डवुड कटिंग है हमारी, आपको थोड़ी ग्रीनिश टाइप में कटिंग लेनी है, इस तरह की कुछ। तो चलिए पहले हम इन कटिंग्स को इस पॉट में लगा देते हैं, उसके बाद हम इन्हीं डिस्पोजल ग्लास में ये कटिंग लगा देंगे। आप इनको बार बार यूज़ कर सकते हैं डिस्पोजल ग्लास को, इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इन्हें यूज़ करें, क्योंकि ये काफ़ी सस्ते भी पड़ेंगे और आप इन्हें बार बार यूज़ भी कर सकते हैं। तो चलिए इनको पहले हम इसमें लगाते हैं। तो दोस्तों, मेरे पॉटिंग मिक्स में है 60% गार्डन सॉइल, 30% ऑर्गेनिक कंपोस्ट और 20% कोकोपीट। ये देखिए, ये मैं 12 इंच के पॉट में तीन कटिंग लगा रहा हूँ और जैसे जैसे इनकी ग्रोथ बड़ी होगी, हम बाद में इसका पॉट साइज चेंज कर देंगे। हम इसे रिपोर्ट कर सकते हैं, बट वो पॉली केयरफुली करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अच्छा रहेगा कि अगर आप नीम के साथ इसे लगाएं तो और भी अच्छा रहेगा। तो ये देखिए, इसके साथ ही आपको रूट्स को साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है, सिंपली ऐसे ही लगा देना है। ये हमारी फर्स्ट कटिंग, इसको थोड़ा गहरा गड्ढा हो दें, इतना दोस्तों सही रहेगा बिल्कुल। और इस तरह से आप लगा दें, थोड़ी वॉल से दूर रखें गमले की जो आउटर वॉल है। और ये वाली कटिंग बहुत केयरफुली निकालें। और दोस्तों, जो आप कटिंग लगाने के लिए पॉटिंग मिक्स यूज़ करते हैं ना, उसमें आपको चाहिए 50% गार्डन सॉइल और 50% ऑर्गेनिक कंपोस्ट। वो आपका वर्मी कंपोस्ट हो सकता है, काउडंग कंपोस्ट हो सकता है। ये देखिए, इस कटिंग को देखते हैं, शायद इसमें ये वाली ये भी हुई है दोस्तों, इसमें भी लीव्स स्प्राउट नहीं हुई, तो लगे रहने देंगे। ये लगा दी हमने और अपनी हैंड वाली कटिंग भी इसी पॉट में केयरफुली लगा देंगे। ये देखिए, ये वाली कटिंग, इन तीनों में काफ़ी अच्छी रूटिंग हुई है, बिल्कुल आप साइज देखिए। और दोस्तों, राजस्थान के क्लाइमेट के हिसाब से आप इन्हें रेनी सीजन में ग्रो करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ये हमने लगा दी अपनी कटिंग्स। कहीं हमारी कटिंग्स और ये सेम पॉटिंग मिक्स है जो मैंने आपको बताया। तो दोस्तों, ये हमारे वही डिस्पोजल ग्लासेस हैं जिनमें हम अपनी कटिंग्स को ग्रो करेंगे। और आप ये इंश्योर कर लें कि आपके डिस्पोजल ग्लासेस में नीचे होल्स ज़रूर हों, जैसे मेरे में हैं। इनमें होल्स होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों ड्रेनेज के लिए। चलिए सबसे पहले हम अपनी इन कटिंग्स को, चारों को कट कर लेंगे। ये देखिए, आपको दोस्तों टिप देखनी है, टिप के हिसाब से कटिंग करनी है, जैसे ये। चलिए इसको हम यहाँ से ले लेंगे 45 डिग्री के एंगल पे कट करके, कुछ स्क्रैचेस लगा दें रूटिंग के लिए,
तो अच्छा रहेगा। यही हम बाकी कटिंग्स में करेंगे। आपको टिप देखना दोस्तों बहुत ज़रूरी है, कभी भी कटिंग को उल्टा ना लगाएं। जैसे कि ये यहाँ से थी जो बेल थी, तो कई बार क्या होता है लोग ऐसे उल्टा लगा देते हैं, तो वो ऐसे ग्रो नहीं होती। इसका आप इससे पता लगा सकते हैं कि नीचे से मोटा होगा और तना ऊपर से पतला होगा। ये देखिए, इनमें कई बार थोड़ी डिफ़िकल्टी आती है पता करने में, लेकिन वो आपको हो जाएगा। जैसे इसका यहाँ से है, तो अब हम अपने डिस्पोजल ग्लासेस में सॉइल डाल लेंगे, जो मैंने आपको रूटिंग के लिए सॉइल मिक्सचर बताया है, आपको वही यूज़ करना है चारों ग्लासेस में। पहले सॉइल फिल करेंगे, ये हमने सॉइल फिल कर ली। और अब अपनी कटिंग को वाटर में डिप करें, चारों कटिंग को पहले वाटर में डिप कर ही आप रूटिंग हार्मोन में लगाकर, जैसे ये रूटिंग हार्मोन में हमारी कटिंग लगाई, इस वाटर में डिप करने से क्या होगा, आपका रूटिंग हार्मोन कटिंग से चिपक जाएगा और वो अपनी जगह से हटेगा नहीं। तो ऐसे होल बना लें और अपनी कटिंग को जेंटली प्रेस कर लें। सॉइल को अच्छी तरह टाइट कर दें। तो चलिए बाकी कटिंग भी ऐसी कर लेते हैं, बंद कर। तो दोस्तों इसके बाद हम इसकी अच्छी तरह वाटरिंग कर देंगे। तो गिलोय की कटिंग धूप में काफ़ी अच्छी ग्रो करती है, जब भी थोड़ी बड़ी होने लगेगी हम इसे सपोर्ट दे देंगे। तो चलिए अब हम अपनी कटिंग्स को ग्रो करेंगे, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, हमने अपनी चारों कटिंग अच्छी तरह लगा दी हैं और अब हम इनमें वाटरिंग करेंगे। पहली बार अच्छी तरह वाटरिंग करें, उसके बाद आप इसमें स्प्रे से पानी डाल सकते हैं। और दोस्तों जब भी बारिश आए ना, तो इसको बारिश में ज़रूर रखें, उससे क्या होगा कि आपकी कटिंग ग्रो होगी अच्छी। बारिश में रखना बहुत ज़रूरी है कटिंग्स को। जैसे ही इनमें से पानी निकला ना दोस्तों, देखिए पानी एब्जॉर्ब कर रही है, तो एक बार और डाल दें आप, जिससे क्या होगा ना, जितने भी बबल्स होंगे, ऑक्सीजन होगा अभी सॉइल के अंदर से, वो निकल जाएगा और मॉइस्चर बनेगा। तो इनमें वाटर पहले अच्छी तरह दें, और इसको अब आप टेम्परेचर वेरी कर रहा है 25 से 35, तो अब आप इसको 2 घंटे की धूप में रख सकते हैं। तो देखिए, और दोस्तों अगर आप ये तरीका फॉलो करते हैं तो आपको 80% तो रिज़ल्ट मिलेगा ही, जैसे कि मैंने फॉलो करा और मेरे को मिला। तो दोस्तों ये तरीका काफ़ी अच्छा है, जैसे कि मैंने आपको अपनी वो चारों कटिंग दिखाई, वो भी मैंने ऐसे ही ग्रो करी थी और मेरे को उनका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिला सिर्फ 12 से 15 दिन में। तो मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप गिलोय ज़रूर ग्रो करें, अगर आपको भी कहीं वेल दिख जाए तो ऐसी सेमी हार्डवुड कटिंग ले लें और उसे ज़रूर ग्रो करें। सो दोस्तों, जो सॉइल मिक्सचर बताया मैंने वही फॉलो करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर आवर वीडियो। Thank you friends, and don't forget to subscribe our channel.